आज मैं आपको फिर से आयु डर्बी की एक और स्टोरी बताने जाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। तो ये स्टोरी बेस्ड है 50 रुपये, जैसे अपने यहाँ 50 पैसे होते हैं वैसे ही फॉरेन में 50 सेंट होते हैं, जस्ट लाइक अ सेंट डॉलर। तो 50 सेंट की ये एक सीख है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और इससे पहले अगर किसी ने आर यू डर्बी का जो इससे पहले स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा है, वो मैं उसकी लिंक इस ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाली स्टोरी, जो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज करके रख देगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप सेल्समैन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि 50 सेंट की सीख, तो मैं फिर से बता दूँ कि 50 सेंट मतलब जस्ट लाइक हमारे यहाँ 50 पैसे, तो फॉरेन में 50 सेंट होता है। तो कल भी हमने आर्यू डर्बी और उनके चाचा की बात की थी, आज भी हम आर्यू डर्बी और उनके चाचा की ही बात करेंगे। तो आर्यू डर्बी जब बहुत पैसे कमा लेते हैं तो वो एक फर्म खोलते हैं जहाँ वो अपने चाचा के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे काम करते हैं दोनों। तो चाचा का जो फार्म हाउस होता है वहाँ पे बहुत सारे अश्वेत लोग काम करते हैं, जैसे कि हम लोग अंग्रेजों को गोरा बोलते हैं, तो वो लोग हमको या वेस्ट इंडीज साइड के जो लोग होते हैं, अफ्रीका साइड के जो लोग होते हैं, उनको वो बोलते हैं अश्वेत बोलते हैं उनको वो लोग अश्वेत। तो वहाँ पे क्या था, उस टाइम रूल था कि कोई भी अश्वेत बच्चा या अश्वेत लोग गोरों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे या उनसे बहस नहीं कर सकते थे, उन्हें दबा के रखा जाता था कहाँ, फॉरेन में, ब्रिटिश में। तो एक बार की बात है कि उनके फार्म हाउस में काम करने वाली एक अश्वेत महिला रहती है, उसकी एक छोटी बच्ची रहती है, 8-10 साल की वो लड़की रहती है। तो वो महिला अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को उनके चाचा के पास भेजती है कि तू जा वहाँ से 50 सेंट मतलब 50 पैसे उससे मांग के ला, मेरी मजदूरी है, मेरी मेहनत है, मैंने वहाँ काम करी थी, तो उसके पैसे तुम उनसे लेके आ जा। तो वो लड़की जाती है किसके पास, आर्यू डर्बी के चाचा के पास 50 सेंट लेने। वो वहाँ जाती है और उस टाइम क्या कर रहा होता है कि आर्यू डर्बी के चाचा कुछ काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो वो उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट वो उसे देखते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, बोलते हैं क्या काम है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे 50 सेंट चाहिए, मेरी माँ ने मुझे भेजा है वहाँ, उन्होंने आपके यहाँ काम किया था, मुझे मेरे 50 सेंट दे दो, मैं चले जाऊँगी। तो उस टाइम बंदा था थोड़ा गुस्से में, उसने उसको बोला मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला, जैसे हम कोई उधार किसी को उधार दे देते हैं, वो हमको बोलता है नहीं देता, जो करना कर ले उस टाइप से। तो आर्यू डर्बी के चाचा ने उसको बोला कि मैं तेरे को पैसे वापस नहीं करने वाला, तू चले जा। तो वो बोलती है ओके सर, और वो वहीं पर खड़ी रहती है। उसने उसको बोला ओके सर, वो वहीं पे खड़ी है। आर्यू डर्बी का चाचा फिर अपने अपना काम में लग जाता है, 5-10 मिनट वो काम करता था। उसने फिर उस लड़की को वहीं पे देखा जहाँ वो खड़ी थी, वो वहीं पे खड़ी है। तो वो फिर उसके पास वो उसको बोला कि तू चले जा, तेरे को पैसे नहीं दूंगा। वो लड़की बोली ओके सर, फिर वहीं खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही, वो फिर अपने काम में बिजी हो गया। बट थर्ड टाइम उसने जब देखा तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आर्यू डर्बी उतने टाइम आया ही था वहाँ पे, आर्यू डर्बी ने देखा कि उसके चाचा तो पहले से उग्र स्वभाव के हैं, तो आर्यू डर्बी वहाँ खड़ा था। उसके चाचा ने क्या किया, एक रॉड उठाई और लड़की की तरफ तेजी से भागे उसको मारने के लिए। तो आर्यू डर्बी को लगा कि वो कहीं उसका मर्डर तो नहीं कर देंगे, वो वहीं पे खड़ा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश का संविधान कानून ऐसा था कि कोई भी अश्वेत गोरे लोग से ज़्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, या उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था, डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता था, तो वो भी कुछ बोल नहीं पाए। बट वो जैसे उसके पास मारने आया, तो वो लड़की बहुत जम से चिल्लाई मुझे मेरे पचास सेंट दो। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि वो चाचा तो वहीं सहम गया, वहीं रुक गया। फिर उसको ऐसे उसने ऐसा क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन कि उसने पैसे निकाला जेब से उसकी, मतलब छोटी से बच्चे से डर के का जो भी उसकी जो भी उसके माइंड में इफेक्ट पड़ा उसके चिल्लाने से, तो उसने उससे उसको 50 सेंट दिए, फिर वो चली गई। तो इससे आर्यू डर्बी ने एक सीख ली कि वो लड़की इतनी देर से सीखी थी, खड़ी थी वहाँ पे, उसने उसको कितने बार मना किया लेकिन वो नहीं गई। एटलीस्ट जब उसको माने आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति से, अपनी इतनी एनर्जी से अपने हक के लिए चिल्लाया, तब उसने उसको पैसे दिया। तो इससे ये साबित होता है कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। इतनी देर से उसका चाचा बोल रहा था उसको कि चले जा, वो नहीं गई, एटलीस्ट वो अपने उस पर कायम रही, तो उसको उसने पैसे दे दिया। तो यही था कि हम जैसे बिजनेसमैन लोग होते हैं या सेल्समैन होते हैं, वो अपने जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एफिलिएट मार्केटिंग वाले किसी भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोलते हैं, बट वो बार बार ना बोलता है, वो लोग डिमोटिवेट होकर या उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट अगर आप उसको सही तरीके से उसको पेश करोगे, सही तरीके से उसको बताओगे, तो वो बंदा लेगा, वो एक बार मना करेगा, दो बार मना करेगा, बट उसको अच्छा लगेगा वो चीज़, या उससे उस चीज़ की जब जरूरत महसूस होगी तो वो लेगा। तो जब भी आप इसका ये मोटिव यह है इस कहानी का, इससे आर्यू डर्बी ने जो सीखा उस सीख को लेकर वो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे सबसे सक्सेसफुल सेल्समैन बने अपने टाइम के, अपने अपने एरिया के,
या कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे सेल्समैन थे उस टाइम, LIC लाइफ इंश्योरेंस बीमा वो सेल करते थे। तो इसी चीज़ से सीखे थे कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे आप बिजनेसमैन हो या आप सेल्समैन हो, आप सेल्समैन हो, आप नेटवर्क मार्केटर, आप एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटर हो, या आप LIC एजेंट हो, तो आप जाते हो किसी के पास अपने प्रोग्राम दिखाने, सेल करने, प्रोडक्ट सेल करने, तो वो बंदा एक बार ना बोलेगा कि नहीं यार मुझे इंटरेस्ट नहीं, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा अगर, लेकिन उसको बंदे को कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता है कि उसे उस चीज़ की जरूरत है, बट वो अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है या उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो बार बार मना करेगा। आपको क्या काम है उसको आप अच्छे से समझाएं, अच्छे से उसके सामने पेश करें, तब वो जाकर आपकी चीज़ मानेगा। ऐसा नहीं उसने एक बार ना बोल दिया तो आपको वापस आ जाना, आपको प्रयत्न करते रहना। सक्सेस भी ऐसे ही बोलती है कि सक्सेस ऐसे नहीं बोलती कि एक बार तुम ट्राई करो सीधे मिल जाओगे, वो बार बार आपको डिमोटिवेट करेगी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, आपके जो भी काम करेगी वो फेल करते जाएगी, बट एटलीस्ट अगर आप प्रयत्न करते जाओगे, एफर्ट देते जाओगे, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। तो इसका यही मेन मोटिव था स्टोरी का कि ना का मतलब ना हमेशा ना नहीं होता, आप ट्राई करते रहिए, आप अपना एफर्ट देते रहिए, आप सक्सेसफुल जरूर होगे। तो यही था इसमें स्टोरी का मेन मोटिव। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए। जिन स्टोरीज का मेन मोटिव होता है आप बिजनेसमैन या अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं अपने आप को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।